मंत्री है तो गाड़ी मिलेगा ही बड़ी यार, मंत्री साइकिल थोड़ी चलेगा। सर साइकिल मेरे को साइकिल मिला ही नहीं और मैं लूंगा मतलब साइकिल लेके क्या करना है। साइकिल झारखंड सरकार अपने मंत्रियों विधायकों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। पहले हेमंत सरकार ने सभी 11 मंत्रियों को 50 लाख की फॉर्च्यूनर कार का तोहफा दिया और अब शिक्षा विभाग द्वारा झारखंड के सभी माननीय 81 विधायकों को साइकिल दिया गया है। गुरुवार को सभी विधायक अपनी कार में साइकिल को रख कर अपने आवास लेकर गए। देखिए पूर्व की भाजपा सरकार ने हमारे छात्र छात्राओं को साइकिल देना बंद कर दिया था और जिससे यहाँ के जो पढ़े लिखे छात्रों में काफ़ी आक्रोश था। हम लोग को कह रहे थे कि नहीं सर हम लोग को पैसा नहीं मिल पा रहा है, सरकार पैसा भेजती है हम लोग को नहीं मिल पा रहा था, साइकिल भी बंद हो गया है। तो हमारे जो जगन्नाथ बाबू जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं हम हर बच्चों को साइकिल देंगे। तो अब अगर किसी बच्चों को साइकिल दीजिएगा, किसी बच्चों को आप क्लास रूम में स्कूल में साइकिल दीजिएगा तो उसका मनोबल बढ़ेगा और हमारी सरकार यहाँ की जनता का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है और मैंने इसका शुरुआत आज किया है। विधायकों को ही साइकिल क्यों सर? आप बिल्कुल देखिए रघुवर दास के पिजरों मिलता था हम लोग को साइकिल मिलेगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड सरकार ने आप लोगों को गाड़ी प्रोवाइड की थी सर, तो गाड़ी देने से पहले फिर साइकिल दिया जा सकता था। देखिए ये आज बजट है, हर चीज़ को आप राजनीतिकरण नहीं किए तो अच्छा होगा। मंत्री हैं तो गाड़ी मिलेगा ही बड़ी यार, मंत्री साइकिल थोड़ी चलेगा। सर साइकिल आज मिले बहुत बुजुर्ग विधायक हैं, वो कैसे इसको ऑपरेट कर पाएंगे चला पाएंगे? बाबूलाल मरांडी जी को हम चाहेंगे कि आप तो साइकिल चला नहीं पाएगा, तो उनके लिए मैं झारखंड के डायनेमिक CM आदरणीय हेमंत जी से मांग करूंगा कि उनको हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराएंगे। बिल्कुल हेलीकॉप्टर चलेंगे वो, ताकि अच्छा रहेगा उनके लिए और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए ये तो बजट में अमूमन सबको मिलता है और साइकिल कोई नई बात नहीं है, कभी सूटकेस है कभी बैग मिलता है, तो ये कोई नया चीज नहीं है, किसी मंत्री ने अपने घर से नहीं दिया है, ये जनता का ही पैसा। ये तो मैं कहूंगा कि मंत्रियों को विधायकों को नहीं देके ये जनता स्कूल के बच्चों को दे दे तो ज्यादा उपयोग में आता, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को क्षेत्र की जनता के लिए सोचना चाहिए, बच्चों के लिए सोचना चाहिए, वैसे महिलाओं के लिए सोचना चाहिए जो स्कूल नहीं जा पाती, और उनके लिए अगर ऐसा कुछ अच्छा स्कीम्स लाते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा कारगर होता। विधायकों की इसकी क्या जरूरत है? अमित जी आप नहीं लेंगे? नहीं है, ये मुझे किसी ने दे दिया तो नहीं आप लेंगे या नहीं लेंगे? मेरे को साइकिल मिला ही नहीं और मैं लूंगा मतलब साइकिल लेके क्या करना है? साइकिल नहीं लेना, मैं चाहूंगा कि ये साइकिल मेरे क्षेत्र के किसी गरीब जनता को दे दे जिसको इसकी उपयोग। चलिए तो आपको लेकर जो कोरोना काल में आपको दिखा कि हॉस्पिटल्स की कमी थी, लोग को स्वस्थ रखने के लिए सरकार ने ससमय कोई अच्छा प्रावधान किया नहीं था, आज सरकार ये मानसिकता के साथ काम कर रही है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करें, अपने आप ही स्वस्थ रहें, और एक सिंबॉलिक तरीके से साइकिल दे दिया गया है विधायकों को, और ये दर्शा रहा है क्षेत्र की जनता के लिए कि आज की डेट से सरकार के ऊपर अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ठीकरा ना फोड़े। अगर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद नहीं करेंगे तो सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।